और हमारे घर पे पानी नहीं है। मैं नहाया हूँ। क्यों नहीं नहाए? पानी नहीं है। अब उसको अब हम लोग मारेंगे चप्पल चप्पल। अरे मारेंगे। वो दिन तो भाग चला तो मार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात वीर सिंह के साथ। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरीके से खदान के पास टिकाड़ी कोयला खदान ग्राम पंचायत अंतर्गत एक बस्ती है, जिस बस्ती में लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था। लेकिन आज जो हम आपको दिखाने वाले हैं, उसे देखकर शायद आपको यकीन नहीं होगा कि इस देश में आज भी कई गाँव कई कस्बे ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल पाता। उनकी पूरी सच्चाई ग्राउंड जीरो से आज हम आपको दिखाने वाले हैं। एक तो पीने को पानी नहीं, और 5-7 दिन में 10-15 मिनट के लिए यदि मिल भी जाए तो वह पानी कैसा होगा, आज हम आपको दिखाते हैं। कामटी सब एरिया कार्यालय के सामने WCL का यह फिल्टर प्लांट, यहीं से पीने को पानी जाता है, और वो भी 5-7 दिन में एक बार 10-15 मिनट के लिए। इस फिल्टर की हालत आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें गंदगी है। अब हम आपको बताते हैं कि इस फिल्टर में आने वाला पानी आखिर कहां से आ रहा है। दोस्तों, माइंस को खोदने के बाद उसमें स्वाभाविक है कि जमीन से पानी निकलेगा, और यही पानी एक जगह एकत्रित हो जाता है और वहां से इस फिल्टर प्लांट में पानी आता है। जिस पानी को आप देख रहे हैं कि फिल्टर प्लांट में ये पानी यहाँ गिर रहा है, ये वही नाला है जहाँ से फिल्टर प्लांट में पानी जाता है और इसे पीने के लिए भेजा जाता है। आप खुद देखिए कि क्या यह पानी पीने योग्य है या नहीं। आप यहाँ जॉब करते हो क्या? ये पानी कहाँ जाता है? ये पानी फिल्टर में जा रहा है। पीने के लिए यही पानी जाता है? यही तो पानी फिल्टर करके दे रहे हैं। नाला से उससे आता है, खदान का पानी है ये पूरा। हाँ। खदान का पानी यही आती है, तो पीने के लिए यही पानी जाता है? यही जाता है। ये गंदा है पानी, ये तो बहुत। तो क्या कर सकते हैं हम लोगों, बताओ। हमारा जो काम दिया हम अपना कर रहे हैं। जिस उम्र में बच्चों की खेलने कूदने की इच्छा होती है, उस उम्र के बच्चे घरों से दूर आकर पानी ले जाते हैं ताकि वे अपने माता पिता की घर में मदद कर सके। कहते हैं कि मजबूरी बड़ी बुरी चीज होती है, ये उम्र का भी ख्याल नहीं करती है। स्कूल जाने वाली उम्र में दोपहर के 2 बजे की धूप में ये नन्हे कोमल हाथ 5-5 लीटर के डब्बे में पानी ले जा रहे हैं। लेकिन अफसोस, इतनी मेहनत करने के बाद भी इन्हें पीने के लिए साफ पानी नसीब नहीं है। कहाँ रहते हो? अरे बताओ ना यार, बोलते नहीं हो। बताओ। हाँ बताओ। उधर वो एक गली है ना। हाँ। एक जाम है ना पेड़ का। वो उसके बगल में मेरा घर। उसके बगल में है। हमारे घर पे पानी नहीं आता। पानी नहीं आता है? तो फिर दिन में ऐसे धूप में यहाँ से पानी लेकर जाते हो? हाँ। मैं नहाया हूँ। क्यों नहीं नहाए? पानी नहीं है घर पे। पानी नहीं, इसलिए नहीं नहाए हो? कल नहाए थे? हाँ। कल नहाए थे? पानी कहाँ से लेके गए थे? पानी इधर ही से। यहीं से लेकर गए थे और फिर नहाए थे? हाँ। तो खुद ही भर के लेके जाते हो पानी और खुद ही नहाते हो, और फिर पीने के लिए कहाँ से पानी लेके जाते हो? पीने के लिए वो वाला है ना। हाँ, यहीं से लेके जाते हो? हाँ, उधर वाले से। क्या नाम है? आर्यन। आपका क्या नाम है? परी। अच्छा, आप लोग गए हो पानी यहाँ से डेली भर के लेके जाते हो? हाँ। कितने बार लेके जाते हो? 2-4 बार। हाँ। 2-4 बार लेकर जाते हो। अच्छा, नहाए हो आज? नहीं नहीं, कल नहाए थे। हाँ। तो नहाने के लिए पानी कहाँ से लेके जाते हो? यहीं से लेके जाते हो? यहीं से लेके जाते हो? हाँ। और यहीं से लेके जाते हो तब नहाते हो? हाँ। तुम भी ऐसे ही करते हो? और पढ़ने जाते हो? हाँ। कौन सी क्लास में हो? हाँ? कौन सी क्लास में? दूसरी। हाँ, दूसरी। और तुम? सेकंड। ये दूसरी में है और तुम सेकंड में हो? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। धूप में पानी लेके जा रहे हो, तबीयत खराब नहीं होती है? तो दिन भर ऐसे ही लेके जाते हो धूप में पानी? कौन बोलता है पानी लेके जाने के लिए? हम लोग लेके जाते हैं नहाने धोने के लिए। तो घर में पानी नहीं आता आप लोगों को? नहीं। तो बाकी दिन स्कूल के दिन फिर स्कूल जाते हो? हाँ। और फिर पानी कब ढोते हो? स्कूल के बचे हुए टाइम में पानी भी ढोते हो? नहीं, स्कूल से आने के बाद ढोते हैं। स्कूल से आने के बाद पानी ढोते हो?
तुम भी स्कूल से आने के बाद पानी ढोते हो? हाँ। अच्छा, ये पानी यहीं से ढोए हो? हाँ। यहीं से भरे हो क्या? हाँ। देखिए ये पानी है, ये साफ दिख रहा होगा कितना मलिन पानी है, कितना गंदा पानी है। ये बिल्कुल भी पीने योग्य पानी नहीं है, क्योंकि ये पानी ऐसा है कि ग्लास इस पार से उस पार, कांच जो है ये बॉटल नहीं दिख सकता है। पीने की पानी हमेशा साफ़ होनी चाहिए, लेकिन ये पीने के लिए यहाँ से लेके तो जा रहे हैं, लेकिन ये पीने योग्य पानी नहीं है। तो ऐसे में क्या लोगों की तबीयत खराब नहीं होगी? ये वो नाला है जहाँ पानी कहीं ज़्यादा गंदा है, क्योंकि इसमें अक्सर भैंस आकर बैठ जाती है और इसी नाले में हमारी माताओं बहनों को यहाँ आकर नहाना पड़ता है और कपड़े धोने पड़ते हैं। यहाँ पे आप ये बकरी और बकरी चराते हो? हाँ। तो आप डेली आते हो बकरी चराने? हाँ, ये जो नाला दिख रहा है तो यहाँ पे लेडीज लोग, महिलाएं? हाँ, लोग आती हैं क्या? सब आती है इधर की। क्या करते हैं यहाँ पे? नहाते हैं, कपड़े धोते हैं। अच्छा, ड्राइवर लोग भी आते हैं? ड्राइवर लोग भी आते हैं, वो भी क्या कर, वो भी नहाते हैं? बाहर के ड्राइवर जो है। अच्छा, तो ये सब इसी नाले में नहाते हैं? हाँ यार। मतलब कहाँ गए थे अभी आप लोग? नहाने गए थे। तो नहाने के लिए कहाँ गए थे? उधर बम्बा। बम्बा गए थे? तो आपके घर में पानी नहीं आता है? आप लोग कहाँ रहते हो? चार नंबर। अच्छा, ये चार नंबर दफाई में रहते हैं? अच्छा, तो आप लोग हमेशा डेली नहाने के लिए उधर ही आते हैं क्या? नहीं। हाँ, एक दो बार। तो डेली नहीं नहाते हो क्या? एक दो दिन के बाद जाते और फिर नहाते हो? घरों में पानी नहीं आता है? आप लोग कहाँ रहते हैं? बस्ती में। कौन सी बस्ती में? इधर चार नंबर। अच्छा, ये जो है कपड़े वगैरह भी लेके आप लोग जा रहे हैं, तो आप लोग कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? नल्ले से, गड्ढा है बम्बा। नल्ले से? हाँ। तो नाले WCL की नाले से? हाँ। जो है उसमें? हाँ। तो आप लोग डेली जाते हैं? हाँ, डेली जाते हैं। तो आपके घर में पानी नहीं आता है? नहीं आता। और पीने के लिए? पीने के लिए भर लेते हैं, कार बार नहीं तो मिलता ही नहीं पानी, नल से तो मिलता ही नहीं। पीने के लिए भी नहीं मिलता है? नहीं मिलता ढंग से पानी। तो ये धूप काले में आप लोग डेली उतने दूर जाते हैं फिर नहाते हैं, लेकिन वो पानी तो बहुत गंदा है। वो क्या करेंगे, तो वही गंदे पानी में नहाते और कपड़े भी उसी गंदे पानी में धोते हैं। कपड़े गंदे ही रह जाते होंगे, साफ नहीं होते होंगे। आप लोग भी वहीं से नहा के आ रहे हैं, वो नाले से? तो पानी साफ है कि गंदा है? यकीन नहीं होता कि क्या यह उसी देश की बात है जिस देश में आज चारों तरफ आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और देश का भविष्य मजबूर है, लाचार है साफ पानी पीने को, साफ पानी में नहाने को। ये वही क्षेत्र है जहां से नागपुर जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती रश्मि श्याम कुमार बर्वे यहां से चुन कर गई। लगभग 2.5 साल का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। इस क्षेत्र से सबसे ज्यादा मत लेने के बाद भी यहाँ पीने को पानी नहीं है, तो क्या गरीब सिर्फ एक वोट बैंक के लिए उपयोगी है? इस क्षेत्र में जहाँ रास्ते की जरूरत नहीं है वहाँ रास्ते बनाए जा रहे हैं, क्योंकि उससे मोटी कमाई हो सकती है, लेकिन जिला परिषद अध्यक्षा रश्मि बर्वे के अपने ही मतदार संघ में गरीब को पीने के लिए पानी नहीं है और यह पानी इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि शायद इसमें कमाई का कोई जरिया नहीं है। हजारों करोड़ की कमाई करने वाली WCL अपने क्षेत्र से प्रभावित लोगों को पानी नहीं दे पा रही है। आखिर CSR का उपयोग कहाँ किया जा रहा है, यह भी एक गंभीर विषय है। हालांकि समस्या जटिल है, BCN ने जब इस समस्या को आवाज उठाया तो यहां के ग्राम पंचायत सदस्य साकिर सिद्दीकी और रोशन तैडे अन्य स्थानीय लोगों के साथ जनता के बीच पहुंचे। उन्हें परेशान जनता के आक्रोश का सामना भी करना पड़ा। वहां पहुंचकर उन्होंने कोयला श्रमिक सभा HMS यूनियन के अध्यक्ष श्री शिवकुमार यादव जी को कॉल किया। शिवकुमार यादव जी से आश्वासन मिला कि जल्द से जल्द WCL से इस समस्या का हल करवाएंगे और लोगों को पीने के लिए साफ पानी जल्द से जल्द दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, एक बात, आप लोगों के घर में कनेक्शन है? कनेक्शन है। पानी नहीं है? नहीं है पानी। नाला से धो रहे हैं, गंदा पानी से नहा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन क्या करें यहाँ। उसका सुविधा नहीं, एक दिन कितने दिन से चिल्ला रहे हैं वो खम्भे पर एक लाइट लगाने के, वो भी नहीं लोग सुन रहे हैं। सुनिए, मैं क्या कर रहा हूँ, शिव कुमार भैया को फोन लगा रहा हूँ, ठीक है? जो जो है आपका स्पीकर ऑन रहेगा, तो कितने दिन में हमको पानी की प्रॉब्लम दूर करेंगे वो बता रहे हैं। क्या बोलते हैं, सब एरिया में जाने के, हम लोग सब एरिया में? नहीं नहीं, आप मत जाइए, आपको कहीं नहीं जाना है। और यही आपको फोन लगा जी। भैया नमस्कार। भैया मैं ये खदान नंबर 6 में, अपने जो मेरा वार्ड है वार्ड नंबर 1, मैं वहाँ पे हूँ अभी।
तो कि वो सबेरिया मैनेजर से बात किया, उनका कहना कि ये सिर्फ 2 दिन का बिजली का जो प्रॉब्लम था उसी के लिए हुआ, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं था। नहीं भैया, यहाँ पे 7-7, 6-6 दिन पानी नहीं आ रहा कंटिन्यू। कंटिन्यू यहाँ पे पानी नहीं है। यहाँ पे जब भी अगर पानी भी आएगा तो 5 मिनट से 3 मिनट आता है हर दूसरे दिन, वो भी एक दिन में नहीं 2 दिन में आएगा, 5 मिनट के लिए। सीएम साहब को बुलवाया हूँ। जी भैया, सीएम रहेंगे और क्या बोलते हैं सभी रे मैनेजर सब रहेंगे, मैं खुद यहाँ के स्पॉट पे जाके सब ठीक करवाता हूँ। तो मैं आप लोगों से कहें आप सही करके रहेंगे तो आज दोस्तों यहाँ रहने वाले माताओं बहनों का दर्द इतना बड़ा है कि शायद मेरे पास वो दर्द को बयां करने के लिए शब्द नहीं है। आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? यहाँ के ग्राम पंचायत टेकाड़ी कोयला खदान है या फिर यहाँ से चुनकर गए हुए जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे जी हैं या फिर WCL है? सवाल ये है कि आखिर गरीब कब तक सिर्फ वोट बैंक की राजनीति का शिकार होता रहेगा? आखिर उनकी बुनियादी सुविधाओं पे कौन ध्यान देगा? आखिर कब तक इस तरीके का जीवन वो व्यतीत करते रहेंगे? अगले एपिसोड में हम इस संबंधित और भी जानकारी लेकर आएंगे। आप देखते रहें आज की खास बात NBCN न्यूज़ पर। जय हिंद।